આ વચ્ચે રાહુલ ગાંધી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં. गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है, कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है, कहां लिखा है मुझे दिखा दो, कहीं नहीं लिखा. गीता में लिखा है, गीता में लिखा है सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो. गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो. यह लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है. ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू. अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया ये हुआ क्या. छोटा सा उदाहरण, आज हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है. 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन, और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन. भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे गरीब 50% के हाथ में इस देश का सिर्फ 6% धन छोड़ा है. यह जादू कैसे किया, इस जादू के कौन से औजार थे और इस जादू को किसने किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं. औजार नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून. भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान का जो असंगठित सेक्टर था, छोटे दुकानदार, गरीब लोग, छोटे कंपनी वाले जो घर में अगरबत्ती बनाते थे, चप्पल बनाते थे, जूता बनाते थे, कपड़े सिलते थे, किसान जो संगठित नहीं थे, मोदी जी के आने से पहले असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 52% हुआ करता था. नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून और कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र का भाग 20% तक पहुंच गया. भाई और बहनों, हिंदुस्तान का 90% फायदा, 90% प्रॉफिट, कॉरपोरेट प्रॉफिट 20 कंपनियों को जाता है. ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, ये जो इस रैली को 5 मिनट के लिए दिखाएंगे, ये उनके गुलाम है.
आतंकवादियों ने इन बेचारों को दबा दिया है। मगर हिंदू को नहीं दबा जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता। 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता।